हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि इधर थोड़ी तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं लगभग पिछले एक महीने से कोई नया चीज़ लेके नहीं आ पाया हूं आपके सामने। तो आज थोड़ी तबीयत ठीक है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के कुछ शेयर करूँ, तो बहुत दिन हो गए आप लोगों से कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया। रीज़न ये था कि थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो खैर, आज हम जानने वाले हैं कि अगर हमें ऑनलाइन फार्मेसी स्टार्ट करना हो तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे, नेटमेड्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये जो बना हुआ है, ये एक PHP लारावेल से बना हुआ है। इसका अगर आप देखना चाहें कि ये कौन से प्लेटफॉर्म पे बना हुआ, आप देख सकते, बड़ा खूबसूरत वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे, ये लगभग इसमें जो यूज़ किया हुआ है, जो फ्रेमवर्क यूज़ किया हुआ है, जो बिल्डअप के लिए, ये बूटस्ट्रैप का यूज़ किया हुआ है। तो ये बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क है, इसके साथ जावा वगैरह का भी यूज़ किया हुआ है। तो क्या सेम यही चीज़, इसी तरह की चीज़ें क्या हम वर्डप्रेस में डिज़ाइन कर सकते हैं, पॉसिबल है या नहीं है? जी हाँ, ये चीज़ सेम इसी तरह की चीज़ें हम वर्डप्रेस में भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो खूबी है, इसके जो अंदाज़ है, ये सारी चीज़ों को हम वर्डप्रेस में भी ला सकते हैं। आपने जान लिया कि इस लंबे लॉकडाउन के बाद किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन लाना कितना इम्पोर्टेंट है। ई कॉमर्स हो, चाहे किराना का हो, या ग्रोसरी स्टोर का हो, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग का हो, ऑनलाइन क्लॉथिंग का हो, सिंगल वेंडर हो, मल्टी वेंडर हो, किसी भी टाइप में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और उसको अगर आप ऑनलाइन नहीं लाए हैं या ऑनलाइन आपने किया नहीं है, अगर आपकी सोच है कि आप बिजनेस को ऑनलाइन लेके आए, तो इसके लिए कैपिटल टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्त ऑफर दे रहा है कि आपको यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है। चाहे आप वेबसाइट बनाना चाहें, चाहे आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहें, चाहे आपको ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बनाना हो या सर्विसेज का प्लेटफॉर्म बनाना हो, सिर्फ यही नहीं, बिजनेस को सेटअप करने के बाद, ऑनलाइन लाने के बाद उसका प्रमोशन करना, इसके लिए कैपिटल टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्त ऑफर दे रहा है कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सारी चीजें A to Z अवेलेबल है। ठीक, अब बिजनेस सेटअप करने से लेकर प्रमोशन करने तक फिर देर किस बात की, आज ही बुक कीजिए और पहले आइए, पहले पाइए का हिस्सा बनिए। जी हाँ, मैंने आपके लिए वर्डप्रेस का एक खूबसूरत सा थीम लेकर आया है। ये वर्डप्रेस ही का एक खूबसूरत सा थीम है। ये आपका यहाँ पे लोगो आ गया, ये सर्च बार आ गया, ठीक है। इसमें का आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये डिज़ाइन है। जो डिज़ाइन आप यहाँ पे देखेंगे, वही डिज़ाइन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। सेम वही डिज़ाइन इस तरफ यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद ये आपका स्लाइड है, उसके बाद यहाँ पे आप एक छोटे छोटे जो कैटेगरीज वगैरह के इस तरह से दिया हुआ है। फिर यहाँ पे जो के एक पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ, जैसे ये पॉइंट्स हैं, यहाँ पे पेमेंट पार्टनर ऑफर्स के इस तरह से कुछ दिया हुआ, तो यहाँ पे भी इस तरह का ये आप इसमें भी रख सकते हैं। इसके बाद डील ऑफ द डे का सेक्शन यहाँ पे देखेंगे, देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन है। ये ब्रांड वाइज है कि अगर आप ब्रांड वाइज इसमें बाय करना चाहते हैं तो वाय ब्रांड वाइज भी बाय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स है, यहाँ प्रोडक्ट्स की जो डिज़ाइन है वो भी बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन है। प्रोडक्ट का लेआउट है, बड़ा खूबसूरत सा लेआउट है। ये स्लाइड सिस्टम का लेआउट है, आप जिस तरह भी चाहे यहाँ पे प्रोडक्ट के लेआउट उस हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी इन्होंने ये स्लाइड सिस्टम ये प्रोडक्ट का लेआउट कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे रही बात ये पॉपुलर कैटेगरी की, तो ये आपका कुछ कैटेगरीज हैं, पॉपुलर कैटेगरीज हैं, सेम एज इट इज उसी टाइप से, ऑलमोस्ट उसी टाइप से ही है, ठीक है। यहाँ पे आपका ब्लॉग है, न्यूज़ लेटर वगैरह है, तो ब्लॉगिंग वगैरह भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये है, ये ब्लॉगिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने भी का ब्लॉगिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कस्टमर्स वगैरह के रिव्यू वगैरह हैं, यहाँ पे एक ये कस्टमर्स के जो उन्होंने एक रिव्यू किया है उस तरह के, यहाँ पे आप न्यूज़ लेटर्स है, यहाँ पे अपना कंपनी के इन्फॉर्मेशन है, और ये आपका फोटोज है। तो बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन है। तो इस तरह की डिज़ाइन अगर आपको बनाना हो वर्डप्रेस के अंदर, तो भी पॉसिबिलिटी है, ये
चीजें की जा सकती है। सेम यही चीजें अगर आपको पीएचपी में बनाना हो या फिर बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क पे बनाना हो तो भी पॉसिबल है, आप चाहें तो बनवा सकते हैं। हाँ, रही जहां तक रही बात इसकी कि अगर आप इसके प्रोडक्ट्स की बात करेंगे या फिर के मेन्यूज की बात करेंगे तो आप कैटेगरीज में जाएंगे, प्रोडक्ट आर्काइव की बात करें तो या उसमें क्या देखेंगे तो सेम एज इस तरह से ही है। देखें कितना खूबसूरत सा है, ये भी लेआउट कितना खूबसूरत सा है, ठीक है। यहाँ पे आपको कैटेगरी का मिल जाएगा, सेम एज इट इज यहाँ पे भी आपको उसी टाइप से दिखेगा। नेट मैप्स में आप कोई भी कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे हर तरह के इसमें वो मिलेगा, कैटेगरी वाइज इसमें प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएगा। आप देखें यहाँ पे जैसे कि मैंने मेडिसिन को क्लिक किया, ये जैसे कैटेगरीज है, डायबिटीज है कैटेगरीज है, तो इसके अंदर का कुछ इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है कि ये आपका कैटेगरीज यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे भी आपके कैटेगरीज आ गया और यहाँ पे इन्होंने शॉप बाई कैटेगरीज भी हर कॉलम में इन्होंने दे रखा है। अगर आप ये भी चाहते हैं कि यहाँ पे भी आपको शॉप बाई कैटेगरीज चाहिए तो पॉसिबिलिटी है की जा सकती है। इसके अलावा ये सारे प्रोडक्ट्स है, इसमें चार चार प्रोडक्ट्स है, इसमें तीन तीन प्रोडक्ट्स है, तो वो चार तीन वो आप आराम से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फिल्टर है, तो आप ये फिल्टर आप देख सकते हैं, फिल्टर रेट वाइज है, कलर वाइज है, साइज वाइज है, प्रोडक्ट्स टैग वाइज ये फिल्टरेशन डला हुआ है, तो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद कह लेगा अगर आप सिंगल पेज की, तो सिंगल पेज भी बड़ा अच्छा है, खूबसूरत सा है। ये देखें सिंगल पेज में आप अगर मल्टी प्रोडक्ट्स अगर लेना चाह रहे हैं तो भी आप पॉसिबिलिटी है, इसके अंदर आप मल्टी प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड बाय प्रोडक्ट्स की दूसरे प्रोडक्ट्स से एज ए प्रोमोशनल ऐड ऑन दे रखा है, ठीक है, इस तरह से ऐड ऑन भी दे सकते हैं। इसके अलावा ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, स्लाइड सिस्टम में रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप ऐड टू कार्ट करेंगे तो आप ऐड टू कार्ट भी यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप कार्ट व्यूज की बात करें तो कार्ट व्यूज पे आपको इस टाइप से डिजाइन दिखने को मिलेगा, ये बड़ा खूबसूरत ये भी डिजाइन है। कोई कोड वगैरह है, प्रोमोशन कोड वगैरह है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप चेकआउट पे जाएंगे तो चेकआउट का फॉर्मेट भी बड़ा खूबसूरत सा है, डिजाइन भी जबरदस्त है। हाँ, इनमें से कोई चीज अगर आपको नहीं चाहिए, थोड़ा चेकआउट छोटा करना हो, बड़ा करना हो, अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करना हो तो पॉसिबिलिटी है, वो की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी इन्होंने ये कोई वो नहीं लगा रखा है, एक शिपिंग मेथड अभी लगा नहीं रखा है, तो ये शिपिंग मेथड आप ऑनलाइन पेमेंट, ऑफलाइन पेमेंट, बैंक डिटेल वगैरह इस तरह से साथ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिसेप्शन की वाइज करना चाहें, यानी आप मेडिसिन भेजें, आप अपने जो मेडिसिन है इसके हैं रिसेप्शन वाइज हैं, यानी आप यहाँ पे देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन वाइज, अगर आप प्रिस्क्रिप्शन वाइज भी आप देना चाह रहे हैं तो भी पॉसिबिलिटी है, जैसे इसने किया हुआ है तो वहाँ पे ये चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोकेशन है, तो ये लोकेशन वाइज भी की जा सकती हैं, आप यहाँ पे अपना लोकेशन डाल सकते हैं या कहीं पे भी लोकेशन डाल सकते हैं, या फिर आप ये चाहें कि इसको जब बंदा कोई जब इंट्री करे वेबसाइट पर, जब इंट्री करे तो इंट्री करते टाइम ही इसका लोकेशन उसमें सेलेक्ट करने के लिए मिल जाए तो भी पॉसिबिलिटी है, इसके अंदर चीज़ की जा सकती है। या आपका साइन एंड साइन अप का बटन है, ये भी बटन बड़ा खूबसूरत सा है, आप यहाँ पे देखें तो खूबसूरत सा इसका बटन दिख रहा है, आप आराम से इसको इजीली मैनेज करना चाहें बिल्कुल इजीली मैनेज कर सकते हैं, जी हाँ। तो इस तरह के आप इसमें मिनिमम ऑर्डर, मैक्सिमम ऑर्डर जितना भी लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, तो बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन है। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन अपना मेडिसिन लेकर आए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, अभी भी फिर दोबारा कोरोना का शुरू हो चुका है, तो लोग बड़े परेशान हैं ऑफलाइन का काम करने के लिए, तो अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन अपने शॉप को ग्लोबली लेकर आए, या फिर आप अपने कस्टमर बढ़ाना चाह रहे हैं ऑनलाइन, तो भी आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह कोई रिक्वायरमेंट होता है तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, जहाँ तक रही बात इसकी थीम की कीमत की, कि इसमें एक थीम की कीमत कितनी आएगी अगर आप ये वर्डप्रेस पे लेना चाह रहे हैं, तो ये थीम की कीमत अराउंड इसमें $69 के आसपास है इस ये थीम की कीमत,
मैं वैसे आपको दिखा देता हूँ। ये 49 के आसपास हैं कि और ये टोटल आपको 51 पड़ जाएगा, यानी आप ये जब बाय करेंगे तो अराउंड इसको 59 रुपीस ये पड़ेगा। ये आपका इवेंटो मार्केट में आपको ये थीम मिल जाएगा। मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप खुद डेवलपर हैं तो आप खुद कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि हमसे ये डिजाइन करवाएं तो भी ये पॉसिबिलिटी है, आप हमसे भी डिजाइन करवा सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। खुदा हाफिज़।